मैं राजमा की खिचड़ी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं देसी घी डालूंगी। सबसे पहले मैं थोड़ी सी हींग डालूंगी, जीरा डालूंगी, छोटी इलायची डालूंगी, एक तेज पत्ता डालूंगी, दो तीन रेड सूखी हुई मिर्ची डालूंगी, साथ में प्याज डालूंगी। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी, चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालूंगी, थोड़ी सी मैं मिर्ची डालूंगी, नमक डालूंगी, एक चम्मच रेड कश्मीरी मिर्च डालूंगी, एक चम्मच में राजमा मसाला डालूंगी। ये राजमा मैंने बॉईल करके रखे थे, अब मैं इसमें ऐड करूंगी। मैं ब्राउन राइस की खिचड़ी बना रही हूँ, आप चाहो तो दूसरे चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरी राजमा की खिचड़ी खाने के लिए तैयार है।